हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं अपना आरसीसी, जिसपे हम कवर कर रहे हैं अपना डिज़ाइन ऑफ बीम। डिज़ाइन ऑफ बीम के प्रीवियस लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजन के बारे में, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट थर्ड ईयर। अगर आपने अभी तक उस पार्ट को कवर नहीं किया है तो पहले आप उस पार्ट को कवर कीजिएगा। आज का सेशंस भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, जहाँ पर हम बात करेंगे आपके कॉन्टीन्यूअस बीम के बारे में और उसके इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजन के बारे में। तो आइए डिस्कस करते हैं आज के इस सेशन की। आज के इस सेशंस में हम जो सबसे पहले डिस्कस करेंगे वो बेसिक रूल्स फॉर द कंटीन्यूअस बीम के बारे में डिस्कस करेंगे कि जब भी आप कंटीन्यूअस बीम या कंटीन्यूअस वन वे स्लैब को डिजाइन कर रहे हैं तो आपको कौन कौन से बेसिक रूल को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपको ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, अगर आपने इसी डायग्राम को पूरा फोकस किया है तो जो भी मैंने यहां पे एडिशनली थ्योरी पार्ट्स आपको लिखा है, इस थ्योरी पार्ट को आपको बिल्कुल भी रटना नहीं पड़ेगा। आपका सिर्फ फोकस होना चाहिए इस डायग्राम पर। ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है तो इस डायग्राम में आपको कितने नंबर ऑफ सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं? सर, 3 नंबर ऑफ सपोर्ट यहां पर दिखाई दे रहे हैं। कौन से? सर, 2 तो आपके एंड पे लगे हैं और 1 आपका इंटरमीडिएट सपोर्ट है। तो आप इनको मेंशन करके लिख देंगे कि सर 2 पे तो आपके एंड सपोर्ट लगे हैं, तो इसको मैं बोलूंगा यहां पर दैट इज एंड सपोर्ट। क्लियर है? इनको एंड सपोर्ट बोला जाएगा। एक एंड सपोर्ट ये हो गया जिसको मैं सी पॉइंट दे देता हूं, ठीक है। एक एंड सपोर्ट मेरा ए हो गया जिसको मैं एंड सपोर्ट के ही नाम से बोलता हूं। ये मेरा कौन सा हो गया? दैट इज एंड सपोर्ट हो गया। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर मैं आपको इंटरमीडिएट सपोर्ट को हटा दूँ तो आपको ये किस तरह का बीम दिखाई दे रहा है? एक प्रकार से सिंपली सपोर्टेड बीम दिखाई देगा। कैसा बीम दिखाई देगा? सिंपली सपोर्टेड बीम। बट आपको हमेशा एक पॉइंट ध्यान रखना कि जो आपके ये एंड सपोर्ट होते हैं, ये एंड सपोर्ट भी आपके 2 टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से एंड सपोर्ट? आपके पास सिंपली सपोर्टेड भी हो सकता है और दूसरा हमारे पास फिक्स सपोर्ट भी हो सकता है। तो ये पॉइंट्स भी आप नोट डाउन करके लिख सकते हैं कि जो सर हमारे पास एंड सपोर्ट हो सकता है वो हमारे पास सिंपली सपोर्टेड भी हो सकता है, सिंपली सपोर्टेड भी हो सकता है, और आपके पास एज ए क्या हो सकता है? फिक्स्ड भी हो सकता है, फिक्स्ड सपोर्टेड भी हो सकता है। क्लियर है? ये पॉइंट्स यहाँ पे भी आप मेंशन कीजिएगा। तो यहाँ पे भी बिल्कुल एजिटेड होगा, सर ये आपके पास एंड क्या हो सकता है? सिंपली सपोर्टेड भी हो सकता है आपके पास, और आपके पास कैसा हो सकता है सर? आपके पास फिक्स्ड सपोर्ट भी हो सकता है, फिक्स्ड सपोर्ट भी हो सकता है। क्लियर है? अब देखिएगा, अगर आपके पास सिंपली सपोर्टेड कब होगा? सिंपली सपोर्टेड तब होगा जब वन एंड उसका क्या होगा? हिंज होगा और अदर एंड उसका रोलर होगा, तो उसको हम बोलेंगे सिंपली सपोर्टेड। फिक्स कब होगा? कि जब सर उसके दोनों ही एंड, मतलब दोनों ही एंड सपोर्ट क्या होंगे सर? फिक्स्ड होंगे, तो उसको हम एज ए फिक्स सपोर्ट बोलेंगे। बट जब हमने वहां पे एक इंटरमीडिएट सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया है तो उस तरह के बीम्स को हम क्या बोलेंगे? अपना कॉन्टिन्यूस बीम बोलेंगे। क्लियर है? तो यहां पर जो आपके पास कौन सा आ रहा है, ये दैट इज इंटरमीडिएट सपोर्ट। तो तीसरा सपोर्ट है इंटरमीडिएट सपोर्ट आपके पास, ठीक है। तो जो इंटरमीडिएट सपोर्ट आपके पास आया है वो कौन सा है? दैट इज, उसको नाम दे देता हूं मैं, दैट इज बी पॉइंट। क्लियर है? तो यही हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि एक बीम हैविंग मोर देन 2 सपोर्ट, एक ऐसा बीम जिसके 2 से ज़्यादा सपोर्ट हो, उसी बीम को हम एज ए कंटीन्यूअस बीम की तरह डिज़ाइन करेंगे। क्लियर है? ए और बी सपोर्ट के बीच में जो स्पैन लेंथ है उसको हम स्पैन लेंथ 1 बोल देते हैं, यानी कि उसको एल नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, और दूसरे इंटरमीडिएट सपोर्ट से लेके एंड सपोर्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको भी मैं किससे मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पर, उसको भी आप स्पैन बोल सकते हैं, तो उसको भी हम एल नॉट यहां पर कह सकते हैं। क्लियर है? तो हमने यही कहा कि जो सपोर्टिंग कंडीशन होती है आपके पास वो 2 टाइप्स की हो सकती है, और सपोर्टिंग कंडीशन कौन सी सर? आपके पास एंड सपोर्टिंग कंडीशन, उसमें आपके पास सर सिंपली सपोर्टेड भी हो सकता है और फिक्स्ड भी हो सकता है। सिंपली सपोर्टेड में आपके पास क्या हो सकता है सर? सिंपली सपोर्टेड में सर आपके पास वो हिंज भी हो सकता है और आपके पास सर वो रोलर भी हो सकता है। क्लियर है? बट जब हम फिक्स सपोर्ट की बात करेंगे तो फिक्स सपोर्ट में क्या होगा सर? वो आपका फिक्स्ड होगा।
क्लियर है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। अब जो नेक्स्ट आता है कि अगर आपका एंड सिंपल सपोर्टेड है, कैसा है, सिंपली सपोर्टेड है, तो उस कंडीशंस में आपका बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा या जीरो नहीं होगा। तो हमेशा याद रखना कि अगर आपके एंड सपोर्ट दोनों कैसे हो, सिंपली सपोर्टेड हो, एंड कैसे हो सर हमारे पास, दोनों सिंपली सपोर्टेड हो, तो उस कंडीशन में जो हमारा बेंडिंग मोमेंट होगा वो क्या होगा सर, वो आपके पास जीरो होगा। क्लियर है, तो ये पॉइंट्स आप ध्यान लिखिएगा कि इस केस में जो हमारा बेंडिंग मोमेंट हो जाएगा एम ए इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और इस कंडीशन में जो आपका बेंडिंग मोमेंट एम सी हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर है, बट अगर आपके एंड सपोर्ट किससे फिक्स्ड हो, फिक्स सपोर्ट से फिक्स हो, कैसे हो सर, फिक्स सपोर्ट से हो, तो उस कंडीशंस में हमारा बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, क्या सर जीरो होगा, नहीं, तो उस कंडीशंस में आपका जो बेंडिंग मोमेंट होगा दैट इज एम सी शुड नॉट बी जीरो, जीरो नहीं होगा। तो यहाँ पे भी फिक्स सपोर्ट होगा अगर, तो आपका जो बेंडिंग मोमेंट होगा यानी कि एम सी एम ए होगा, शुड नॉट बी जीरो नहीं होगा। तो यही पॉइंट्स हमने यहाँ पे मेंशन किए है कि इफ द एंड इज सपोर्टेड सिंपली सपोर्टेड, कि एंड किससे सपोर्ट है, सिंपली सपोर्टेड से है, तो उस कंडीशन में देन बेंडिंग मोमेंट इज ऑलवेज जीरो। तो उस कंडीशन में बेंडिंग मोमेंट क्या होगा आपके पास, जीरो होगा, यानी कि एम ए भी जीरो और एम सी भी क्या होगा, जीरो होगा। क्लियर है, अगर आप बात करते हैं कि इफ द एंड इज सपोर्टेड फिक्स सपोर्ट, अगर आपके दोनों एंड किससे सपोर्ट हो, फिक्स एंड से सपोर्टेड हो, तो उस कंडीशन में जो हमारा बेंडिंग मोमेंट होगा इज नॉट जीरो, वो आपका जीरो नहीं होगा, यानी कि एम ए शुड नॉट बी जीरो एंड एम सी शुड नॉट बी जीरो। क्लियर है, अगर यहाँ पे बात की जाए आपके तीसरे सपोर्ट की, जिसको हम इंटरमीडिएट सपोर्ट बोलते हैं, तो इंटरमीडिएट में जो आपका बेंडिंग मोमेंट आता है वो कौन सा बेंडिंग मोमेंट रजिस्ट करता है, यहाँ पे जनरली नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट रजिस्ट करता है। तो यही लिखा है कि जो इंटरमीडिएट सपोर्ट ऑलवेज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट, और किस तरह का बेंडिंग मोमेंट, इट इज जनरली नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। क्लियर है, तो यहाँ से जितने भी बेसिक रूल थे आपके पास कंटिन्यूस बीम के, वो आपको विद डायग्राम मैंने कवर करवाए हैं। अगर आपको ये डायग्राम्स पूरा का पूरा अच्छी तरह से कवर है, तो आप इसको जितना भी थ्योरी पार्ट्स यहाँ पे हमने कवर किया है उसको आप बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। क्लियर है, ये बहुत बेसिक पार्ट है, जब आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की स्टडी करते हैं तो वहाँ पे भी इस तरह के पार्ट को आपको डिस्कस करवाया जाता है, और जब हम आरसीसी की स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी मैं आपको एज ए बेसिक रूल के रूप में मैं इनको आपको कवर करवा रहा हूँ। क्लियर है, जो भी बेसिक रूल थे वो हमने यहाँ पे क्या कर दिए हैं, आपके कवर कर दिए हैं। क्लियर है।